सबको जेशु। हम लोग आज मई 1 तारीख रोजरी माला का विशेष महीने में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो सदियों से हमारी कलीसिया में यह परंपरा रही है कि मई महीने में रोजरी माला की भक्ति हमारे गलियों में, परिवारों में रखते हुए हमेशा याद रखना, जब कभी हम रोजरी माला बोलते हैं इसमें माता मरियम की मध्यस्थता की याचना जरूर हम करते हैं, मगर इसमें जो चार भेद हैं, चारों हमारे प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति के रहस्यों के संबंधित हैं। आनंद के भेद में प्रभु के जन्म से लेकर मंदिर में पाए जाने तक की घटनाओं पर हम मनन करते हैं, तो दुख के भेद में कलवारी में मरने तक गेत्सेमनी से पीड़ा सहन से लेकर हम याद करते हैं, और महिमा के भेद में पुनरुत्थान से लेकर प्रभु ईसा मसीह के स्वर्ग चढ़ना, पवित्र आत्मा को उतरना, और आखिरी दो भेद में माता मरियम को स्वर्ग में ले जाना और रानी का मुकुट देने के बारे में हम विचार करते हैं। और हाल ही में जोड़े हुए प्रकाश रहस्य में प्रभु ईसा मसीह के सार्वजनिक जीवन के रहस्यों के बारे में हम अनन चिंतन करते हैं। यर्दन नदी के बपतिस्मा से लेकर परम प्रसाद की स्थापना तक के प्रभु ईसा मसीह के सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर इस भेद में हम मनन चिंतन करते हैं। और उसके बाद हम जो प्रणाम मरिया दोहराते हैं, ये भी प्रार्थना पवित्र बाइबल से ली हुई है, संत लूका सुसमाचार में से लिए हुए एलिजाबेथ और माता मरियम के बीच का संवाद है ये प्रणाम मरिया जो प्रार्थना है। ये हमारे पिता प्रार्थना जो है हमारे प्रभु ने हमें सिखाई है। रोजरी माला केवल माता मरियम की भक्ति ही सीमित न रहे, बल्कि इसमें हमारे ही मुक्ति के सारे रहस्यों पर हमारे चिंतन करते हैं। और इस वर्ष विशेष पूर्व हमारे संत पापा ने हमें आह्वान किया है 25 तारीख के विशेष पत्र के द्वारा कि माता मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा हम मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए प्रार्थना करें कि इस वैश्विक बीमारी के समय में कि जल्दी जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाए, मानव जाति बच जाए और हमारे जीवन सुगमता से आगे निकले। इसलिए इस वर्ष मई महीने की जो रोजरी माला है, इसी विशेष मनोरथ को रखते हुए, संत पापा का भी विशेष मनोरथ को रखते हुए हम आज मिलकर बोलेंगे। संत पापा ने हम सबको इस महीने में दोहराने के लिए दो विशेष सुंदर प्रार्थनाएं भी दी है। हमने उन दोनों प्रार्थनाओं को हिंदी में भी अनुवाद किया है। रोजरी के अंत में हम सब उन दोनों प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, प्रार्थना करेंगे, और बाद में YouTube में हम ये दोनों प्रार्थनाएं भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आइए हम सब मिलकर भक्तिभाव से इस रोजरी माला में बात करें। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमार मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, और शरीर के हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु भय से बचा। राम मरिया के पापों प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और बार मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया के पापों प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और बार मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया के पापों प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और बार मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, दुख के भेद बारी में यीशु की प्राण पीड़ा, इस भेद में हम विशेष रूप से उन 2.25 लाख से भी ज्यादा हमारे अपने भाई बहन जिनकी जाने इस बीमारी की वजह से चली गई हैं, उनको अनंत विश्राम मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ इनके मृत्यु से शोकाकुल उनके परिवार जनों के लिए, विशेषकर उन सभी माता पिताओं, पति पत्नियों, बच्चों के लिए जिन्हें मरने से पहले और मरने के बाद भी अपने प्रिय जनों का दर्शन तक देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके लिए चढ़ाते हुए हम ये भेद शुरू करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु भय से बचा। हमें प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, तेरे गर्भ का फल पवित्र जन्य हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मां मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, तेरे गर्भ का फल पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मां मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, तेरे गर्भ का फल पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मां मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, तेरे गर्भ का फल पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मां मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, तेरे गर्भ का फल पवित्र जननी हमारी माँ, पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मां मरियम प्रभु तेरे साथ है,
नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल, पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मरियम प्रभु तेरे साथ, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल, पवित्र जननी हमारी माँ, पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मां मरियम प्रभु तेरे साथ, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल, पवित्र जननी हमारी माँ, पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल, पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। कृपा पूर्ण मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल, पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब मृत्यु के समय प्रार्थना करना, याचना करना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि भाई अब अनंतार्थ सराही की आगे। हे मेरे यीशु, हमारे पाप क्षमा कर, नरक से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएगी, दुख के दूसरे भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं। यह भेद हम विशेष रूप से 29 लाख से भी अधिक लोग जो इन महामारी से पीड़ित हैं उनके लिए चढ़ाएं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस समय वेंटिलेटर में पड़े सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा जो वायु के रूप में, पवन के रूप में आता है, वही पवित्र आत्मा वायु के रूप में, प्राण वायु के रूप में उन बीमार लोगों के पास पहुंच जाए और उन्हें वेंटिलेटर से जल्दी जल्दी मुक्त कराएं और इस बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। Thank you.
माता विनती करें हम पापी निहारे अपूर्व मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल ये संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल ये संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल ये संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल ये संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल हे संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल हे संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया नारियों में धन्य है तू धन्य है तेरा गर्भ का फल हे संत मरिया यीशु माता विनती कर हम पापी निहारे अब और मृत्यु के समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसा कि महात्मा ने दिया और निरंतर सदा रहेगी आमीन हे मेरे यीशु हमारे पाप क्षमा कर नरक से अभिमाचा सारे आत्माओं को स्वर्ग में ले जाए विशेष रात जिन्हें तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है दुख के तीसरा वे यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है इस भेद में हम सभी चिकित्सकों नर्सों और स्वस्थ कर्मियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन की परवाह किए बिना इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की देखभाल करते हैं साथ ही साथ हमारे देश के और जिला के और हमारे सभी अधिकारियों के लिए भी और पुलिस के सभी जवानों के लिए भी हम प्रार्थना करें और साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के सभी लोगों के लिए जो इस विपत्ति की घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए और प्रशासन बराबर चालू रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं
उन सभी के प्रति हम इस तीसरा भेद समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी, वंदना ले तू हमारी माता जी, वंदना ले तू हमारी, सुन लो विनती हमारी माता जी, सुन लो विनती हमारी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, द्वारा सदा रहे आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पाप क्षमा कर, मेरे घर आज शून्य में बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएगी, विशेष करके तेरे दया की बड़ी आकांक्षा करें। दुख के चौथा में यीशु अपना क्रूस धोते हैं। यह भेद हम उन वैज्ञानिकों के लिए समर्पित करते हैं जो इस प्राणघातक वायरस के उपचार के लिए वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। संसार भर के वैज्ञानिक लोग इस महाकाम में जुटे हुए हैं। प्रार्थना करें जल्दी ही जल्दी इस महामारी के लिए एक उचित वैक्सीन की खोज हो, जिससे कि मानव जाति जल्दी ही जल्दी भला चंगा हो सके। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, तू नारियों में धन्य है, रोगियों पर
प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा कर प्रभु तेरे साथ रे तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ रे तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है तू नारियों में धन्य है रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मेरी माता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आवश्यकता है दुख के पांच वेद यीशु क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं हम अपने देश और सभी देशों के राष्ट्रीय नेताओं के लिए समर्पित करें कि वे अपने देश के लिए ऐसे नियम लागू करें क्योंकि अभी जो स्थिति है ये स्वास्थ्य महामारी अकेला नहीं है एक आर्थिक महामारी आर्थिक संकट भी है सभी देशों में स्वास्थ्य महामारी से निपटने के साथ साथ आर्थिक संकट से भी निपटने के लिए विशेष करके उन जरूरतमंद लोग जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं को उन तक पहुंचाने लायक नियमों का पालन करने के लिए और आदेश करने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा
धन्यक बाबुन माता तेरा नाम धन्य धन्ये हम नारियों में श्रेष्ठ गति धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अमर मृत्यु के समय धन्यक बाबुन माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय धन्य कृपा पूर्ण माता तेरा नाम धन्य कहिए हम नारियों में श्रेष्ठ वती धन्य यीशु तेरा फल प्रार्थना करना माता तू पापियों के लिए अब मृत्यु के समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जय सत्यावृति अपरंत काल सदा रहे आमीन हे मेरे यीशु हमारे पाप क्षमा कर नरक आश्रय बचा सारे पापों को स्वर्ग में ले जाए विशेष कार्य में तेरे द्वारा की बड़ी आवश्यकता है हे रानी प्रणाम एक कृपा की बात हमारा मन नमस्कार कथा आसान है आपको प्रणाम हम देवान देवान संतान आप पुकारते हैं और आसमान की घाटी में से रोते विराम करते हुए आप आपके डाल रहे हैं हे हमारा कृष्ण जी अब हम पर कल्याण दृष्टि कीजिए के बिन्दे आयो द्वारे बने हमारे यात्रा के बाद अपने पवित्र भाई ने शुरू हमको दिखलाइए क्वारी मरियम की स्तुति विनती प्रभु दया कर प्रभु दया कर क्रिस्त दया कर क्रिस्त दया कर प्रभु दया कर प्रभु दया कर
कर ग्रेस्थ हमारी सुन ग्रेस्थ हमारी विधि पूरी कर हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर पुत्र परमेश्वर संसार की मुक्ति दाता हम पर दया कर पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर ईश्वर की पवित्र माता हमारे लिए प्रार्थना कर कुमारियों की पवित्र कुमारी हमारे लिए प्रार्थना कर की माता हमारे लिए प्रार्थना कर एशिया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर ईश्वरीय कृपा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर अति निर्मल माता हमारे लिए प्रार्थना कर अति शुद्ध माता हमारे लिए प्रार्थना कर अच्छता माता हमारे लिए प्रार्थना कर निष्कलंक माता हमारे लिए प्रार्थना कर अति प्रिय माता हमारे लिए प्रार्थना कर प्रशंसनीय माता हमारे लिए प्रार्थना कर सुसमिति की माता प्रार्थना सृष्टिकर्ता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर मुक्तिदाता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर अति चौकस कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर आदरणीय कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर स्तुति योग्य कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर शक्तिमती कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर दयालु कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर धर्मनिष्ठ कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर धार्मिकता का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर प्रज्ञा का सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कर हमारे आनंद का मूल हमारे लिए प्रार्थना कर पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर आदरणीय पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर भक्ति का उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर आध्यात्मिक कुलाल हमारे लिए प्रार्थना कर दामोद का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर अस्थि दंत का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर स्वर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कर स्वर्ग का द्वार हमारे लिए प्रार्थना कर और का तारा हमारे लिए प्रार्थना कर रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर दुखियों का निराशा हमारे लिए प्रार्थना कर स्त्रियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर स्वर्ग दूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर नबियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर शहीदों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर धर्मवीरों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर कुमारियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर सत्संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर पति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर ईश्वर की मैंने तो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर ईश्वर की मैंने तो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमारी सुन ईश्वर की मैंने तो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर ईश्वर की माता हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञा के लिए बच जाए प्रार्थना करें ईश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर पंडित कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा आमेन याद कर विनती यदि कुमारी मरियम स्मरण कीजिए जितने लोगों आपके शरण में आकर आपकी प्रार्थना की सहायता मांगी है वे सब कहते हैं कि उनमें से एक भी असहाय नहीं छोड़ा गया है कुमारी कुमारी हे मेरी माँ मैं बड़ी आशा करके आपके पास दौड़ाता हूँ और आपके पैरों पर पड़ा पापी और पापा हूँ देवचन की माता मेरे भीतर स्वीकार कीजिए बल्कि आपको सुनकर उसे पूरा कीजिए आमीन। अभी हम संत पापा द्वारा दी गई विशेष दोनों प्रार्थनाओं को मैं पहले बोलूंगा आप सब मेरे पीछे दोहराइए। हे माता मरियम हे माता मरियम आप हमारी मुक्ति आप हमारी मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में और आशा के चिन्ह के रूप में हमारे जीवन यात्रा के मार्ग पर हमारे जीवन यात्रा के मार्ग पर सदा चमकती रहती हैं सदा चमकती रहती हैं। आप रोगियों का स्वास्थ्य हैं आप रोगियों का स्वास्थ्य हैं। हम अपने आप को आपकी शरण में आपके शरण में समर्पित करते हैं समर्पित करते हैं। आप प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़े रहे क्रूस के नीचे खड़े रहे और यीशु की पीड़ा की और यीशु की पीड़ा सहभागिनी होकर सहभागी होकर अपने विश्वास में अपने विश्वास में दृढ़ बनी रहे दृढ़ बनी रहे।
संसार की रक्षिका, इस संसार की रक्षिका, आप हमारी सारी जरूरतों को, सारी जरूरतों को अच्छी तरह जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं, और हमें यही भी विश्वास है, और हमें यह भी विश्वास है कि जैसे आपकी उपस्थिति से, जैसे आपकी उपस्थिति से गलीली के काना में, गलीली के काना में आनंद और उल्लास लौट आया, आनंद और उल्लास लौट आया, वैसे ही परीक्षा की इस घड़ी के पश्चात, परीक्षा की हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी आनंद और उल्लास लौट आएगा, लौट आएगा। हे प्रेमय माता, हे प्रेमय माता, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हम परमपिता ईश्वर की इच्छा, हम परमपिता ईश्वर की इच्छा और यीशु के वचन के अनुसार, और यीशु के वचन के अनुसार कार्य कर सके, कार्य कर सके, क्योंकि क्योंकि इन्हीं प्रभु यीशु ने, इन्हीं प्रभु यीशु ने हमें पुनरुत्थान की महिमा, हमें पुनरुत्थान की महिमा एवं आनंद देने के लिए, एवं आनंद देने के लिए क्रूस पर, क्रूस पर अपार दुख भोगा, अपार दुख भोगा और हमारी पीड़ा, और हमारी पीड़ा स्वयं वहन की, स्वयं वहन की। हे ईश्वर की पवित्र माता, ईश्वर की पवित्र माता, हम तेरी शरण में दौड़ाते हैं, हम तेरी शरण में दौड़ाते हैं। हे महिमा मई, और धन्य कुमारी मरियम, और धन्य कुमारी मरियम, हमारी आवश्यकताओं में, हमारी आवश्यकताओं में हमारी विनती अस्वीकार मत कीजिए, हमारी विनती अस्वीकार मत कीजिए, और सभी आपदाओं में से, और सभी आपदाओं में से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आमीन, आमीन। दूसरी प्रार्थना। हे ईश्वर की पवित्र माता, हे ईश्वर की पवित्र माता, हम तेरी शरण में दौड़ाते हैं, हम तेरी शरण में दौड़ाते हैं। दुख की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में जब सारा संसार, जब सारा संसार पीड़ा और अनिश्चितता का शिकार है, पीड़ा और अनिश्चितता का शिकार है, ईश्वर की माता, ईश्वर की माता और हमारी माता, और हमारी माता हम रक्षा पाने के लिए, हम रक्षा पाने के लिए तेरे शरण में दौड़ाते हैं, तेरे शरण दौड़ाते हैं। धन्य कुमारी मरियम, धन्य कुमारी मरियम, कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस की इस महामारी में, इस महामारी में हम पर अपनी दया दृष्टि कीजिए, आप पर दया दृष्टि कीजिए, उन सब लोगों को, उन सब लोगों को सांत्वना दीजिए, सांत्वना दीजिए, जो अपने प्रियजनों की, जो अपने प्रियजनों की मृत्यु से शोकाकुल है, मृत्यु से शोकाकुल है, उन सब लोगों के साथ रहिए, उन सब लोगों के साथ रहिए जिनके प्रियजन, जिनके प्रियजन अभी अस्वस्थ हैं, अभी अस्वस्थ हैं, और जो इस क्षण, जो इस क्षण स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से अपने प्रियजनों से, अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, उन सभी लोगों में, उन सभी लोगों में जो भविष्य में, जो भविष्य में व्यापार और नौकरी की, व्यापार और नौकरी की अनिश्चितता से ग्रसित हैं, ग्रसित हैं, आशा का संचार कीजिए, आशा का संचार कीजिए। ईश्वर की माता, ईश्वर की माता, हमारी माता, हमारी माता करुणामय पिता से, करुणामय पिता से हमारे लिए, हमारे लिए निवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए कि अब, कि अब इस महामारी का अंत हो, इस महामारी का अंत हो और शांति और आशा का, और शांति और आशा का नया सवेरा उत्पन्न हो, नया सवेरा उत्पन्न हो। जिस प्रकार, जिस प्रकार आपने काना में, आपने काना में अपने पुत्र से अन्नदान विनय किया, अपने पुत्र से अन्नदान विनय किया, उसी प्रकार, उसी प्रकार कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों, पीड़ित रोगियों और उनके परिजनों के लिए, और उनके परिजनों के लिए निवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए कि उनमें विश्वास, कि उनमें विश्वास और भरोसे का संचार हो, और भरोसे का संचार हो। हे हमारे रक्षिका, हमारे रक्षिका सभी चिकित्सकों, सभी चिकित्सकों, नर्सों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की, और स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, जो अपने जीवन की, जो अपने जीवन की परवाह किए बिना, परवाह किए बिना दूसरों के जीवन को, दूसरों के जीवन को बचाने में लगे हुए हैं, बचाने में लगे हुए हैं, उनके इस वीरतापूर्ण कार्य में, उनके इस वीरतापूर्ण कार्य में उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए एवं उन्हें, एवं उन्हें शक्ति, शक्ति उदारता, उदारता तथा तथा स्वास्थ्य का वरदान कीजिए, स्वास्थ्य का वरदान कीजिए। उन सभी के साथ रहिए, उन सभी के साथ रहिए जो दिन रात, जो दिन रात बीमारों की सेवा कर रहे हैं, बीमारों की सेवा कर रहे हैं और उन सभी पुरोहितों का,
और उन सब पुरोहितों का शरण स्थान बनिए, जो पुरोहित भाई धर्म और सुसमाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण हर मानव की सहायता और सेवा के लिए तत्पर रहे धन्य कुमारी मरियम उन सभी लोगों की बुद्धि प्रकाशमान कीजिए जो इस प्राण घातक वायरस के वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं ताकि वे शीघ्र ही इस वायरस का उपचार हो सके धन्य कुमारी मरियम हमारे राष्ट्रीय नेताओं को दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए कि वे प्रज्ञा और उदारता से प्रेरित होकर उन सभी की सहायता के लिए आगे आए जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं और ऐसा समाज और अर्थव्यवस्था का सृजन करें जिससे सभी लोग लाभान्वित हो हे अति पवित्र मरियम हमारे अंतर मन को झकझोर कीजिए ताकि सही उपकरणों पर अपार धनराशि खर्च करने की जगह हम उत्तम वैज्ञानिक शोध में निवेश करें ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी से बच सके हे प्रिय माता हमारी सहायता कर कि हम समझ पाए कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं ताकि विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर हर गरीब और असहाय की हम सहायता करें हमें विश्वास में बलवान सेवा में सजग और प्रार्थना में दृढ़ रहने की कृपा कीजिए हे मरियम दुखियों का निराशा पीड़ा में पड़े अपने सब पुत्र पुत्रियों को अपने आंचल में समेट दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर अपने शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर हम सबको इस प्राण घातक बीमारी से बचा ले हे माता आप जो हमारी मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमारे जीवन यात्रा के मार्ग पर सदा चमकती रहती है हे प्रिय मथुर और दयालु कुमारी मरियम हम अपने आप को आपकी शरण में समर्पित करते हैं आमीन। आप लोगों से अनुरोध है ये दोनों प्रार्थनाएं प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे हम अपने घरों में रोजरी माला के साथ भक्तिभाव से दोहराते रहेंगे। आइए हम माता मरियम के आदर में अंतिम भजन गाएंगे।